मगर इंसान अजीब मखलूक है कि जब उसका परवरदिगार उसको आजमाता है कि उसे इज्जत देता और नेमत बख्शता है तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे इज्जत बख्शी, और जब दूसरी तरह आजमाता है कि उस पर रोजी तंग कर देता है तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे जलील किया। यूं नहीं बल्कि तुम लोग यतीम की खातिर नहीं करते और न मिस्कीन को खाना खिलाने की तरदीद देते हो और मीरास के माल को समेट कर खा जाते हो और माल को बहुत ही अजीज रखते हो। यूं नहीं जब जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी और तुम्हारा परवरदिगार जलवा फरमा होगा और फरिश्ते कितार दर कितार आ जाएंगे और दोजख उस दिन सामने लाई जाएगी, तो इंसान उस दिन सोचेगा मगर अब सोचने से उसे फायदा कहां मिल सकेगा। कहेगा काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, तो उस दिन न कोई अल्लाह के अजाब की तरह का अजाब देगा और न कोई उसके जकड़ने की तरह जकड़ेगा। ए इत्मीनान वाली जान, अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल, तू उससे राजी वो तुझसे राजी, सो तू मेरे खास बंदों में शामिल हो जा और मेरी बहिश्त में दाखिल हो जा।